पाकिस्तान हाय हाय, 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 उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, पाकिस्तान 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 हाय हाय, उग्रवादी 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 हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, उग्रवादी हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान टारगेट किलिंग कर दिया गया। वो लोग घुसे पूरे मोहल्ले के अंदर गए और चार लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद दो ब्लास्ट हुए। मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं, पहली तारीख थी, उन्होंने कोई घटना करनी थी, हम उसको नस्तनाबूद करने का प्रयास नहीं कर पाए। 186 मिलिटेंट एक साल के अंदर मारे गए, लेकिन पाकिस्तान इस सारे विषय पर कुछ विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। पाकिस्तान 186 बंदे मरेंगे, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस सारे विषय को लेकर के जब तक दूसरा बालाकोट और जब तक आर और पार का युद्ध नहीं होगा, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ये वहाँ जाकर के पहचान पत्र देखा, हिंदुओं को मारा, टारगेट किलिंग करी। आज मैं ये दो भाई, ये जो दो मुसलमान साथ में लेकर के, ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये दो मुसलमान भी इसके विरोध के अंदर हैं। मत कोई इस बात का विचार करे कि ये जो है हमारा भाईचारा, ये हमारे भाईचारे को कोई व्यक्ति तोड़ने का प्रयास करेगा। ये पाकिस्तान की साजिश को नष्ट नबूद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पाकिस्तान ये समझता है, हिंदू और मुसलमान इनको लड़ा करके, टारगेट हिंदुओं की किलिंग करके, वो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जो अव्यवस्था फैल गई है। इसलिए हिंदू और मुसलमान मिलकर के पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, पाकिस्तान की सोच को नस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मैसेज देने का प्रयास करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तुम्हारी सोच से कभी और हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर नहीं लड़ेगा। वो हिंदुस्तानी है और तेरा डट करके मुकाबला करेगा। तभी तो 186 लोगों को एक वर्ष के अंदर मार दिया गया, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी आन पड़ गई है। जैसे नगरोटा के अंदर हमने वहां पर उन लोगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया चार, आज इनको भी हमको पकड़ करके समाप्त करने का प्रयास करना होगा। मैं यहां के DGP, IGP और चीफ सेक्रेटरी और ये जो हमारे उपराज्यपाल हैं, इनसे कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान नस्तनाबूद हो गया है, लेकिन फिर भी जब मरता मरता जो डूबता है उसको कोई सहारा नहीं मिलता, फिर भी वो तिनके का सहारा लेने का प्रयास करना चाहता है। माननीय मोदी जी और श्रीमान शाह साहब, एक बालाकोट दो तीन बार करो, पाकिस्तान को समाप्त करो और बलोच